झारखंड कांग्रेस की 5 विधायक इन दिनों दिल्ली दौरे पर है। मंगलवार को जहां प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह से मुलाकात किया, वहीं बुधवार को पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल से भेंट की। श्री वेणुगोपाल के आवास में इन विधायकों ने करीब 45 मिनट तक राज्य की राजनीतिक परिस्थिति पर चर्चा की। कांग्रेस के 5 विधायकों के इस तरह प्रदेश प्रभारी और पार्टी महासचिव से भेंट करने के बाद राजनीतिक गलियारे में कई अटकलें तेज हो गई है। विधायक इरफान अंसारी के नेतृत्व में उमा शंकर अकेला, ममता देवी और राजेश कश्यप ने एक साथ जहां झारखंड प्रदेश प्रभारी और महासचिव केस वेणुगोपाल से मिले, वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव सह महागामा विधायक दीपिका पांडे ने अलग से प्रदेश प्रभारी और पार्टी महासचिव से मुलाकात की। प्रदेश प्रभारी श्री सिंह और पार्टी महासचिव श्री वेणुगोपाल से भेंट कर इन विधायकों ने सरकार और संगठन में पार्टी कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। कहा गया है कि संगठन को और धारदार बनाने की जरूरत है। सरकार बनने के बाद अब तक पार्टी कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पाई है। इनकी ओर से जल्द आयोग बोर्ड निगम के बंटवारे के साथ 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन और निगरानी समिति का गठन करने का आग्रह किया गया। कहा गया कि 20 सूत्री समिति के गठन से पहले सत्तारूढ़ दल के विधायकों से भी विचार विमर्श किया जाए। इधर महागामा विधायक दीपिका पांडे के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल से भेंट को अनौपचारिक भेंट बताया। उन्होंने कहा कि सचिव बनने के बाद से पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ उनकी मुलाकात नहीं हुई थी, इस कारण पार्टी के दोनों नेताओं से भेंट किए। वही विधायक इरफान अंसारी समेत उमा शंकर अकेला, ममता देवी और राजेश कश्यप ने भी दोनों नेताओं से भेंट कर पार्टी की ओर से घोषणा पत्र में किए गए वायदों को जल्द से जल्द पूरा करने का किया गया।